शांति। आज हम सभी योगेश्वर बाबा के योगी तू आत्मय बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा जनवरी मास की तपस्या का आरंभ इन एडवांस कर रहे हैं। एडवांस बच्चों को बाबा की एडवांस शक्ति और वरदान भी प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बाबा को थैंक्स देते हुए हम अपने भाग्य की महिमा गाएंगे कि वाह बाबा, आपने हम बच्चों में वो विश्वास रखा जो एडवांस तपस्या कराने के निमित्त बनाया और अपने वरदानों और शक्तियों से भरपूर होने का अधिकारी बनाया। ये भाग्य विधाता बाप ने मुझे दिया है। उस मुझे की आत्मा को अंदर से खुशी हो। तो मैं वो पद्मा पद्म भाग्यशाली योगेश्वर बाबा की योगिन योगी तू आत्मा हूं। आज हमारा संकल्प रहेगा हम योगेश्वर के सच्चे योगी हैं। हम अर्थात मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में आत्मा के जो सातों गुण हैं उन सातों गुणों को इमर्ज रूप में अनुभव करेंगे। जैसे पानी की बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस बूंद से सप्त रंग दिखाई देते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी सप्तरंगी इन सातों गुणों का पुंज हूं। बहुत गहराई से अंतर में जाकर के उन सभी गुणों की महसूसता करेंगे। ज्ञान अर्थात प्रकाश मेरे जीवन से सर्व अंधकार समाप्त हुए, मैं ज्ञान स्वरूप लाइट आत्मा हूँ जिसमें ज्ञान का प्रकाश है। तो एक मिनट के लिए सब अपने इस ज्ञान स्वरूप की स्थिति में भ्रकुटी के मध्य चमकता दिव्य सितारा मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का प्रकाश मेरी इन कर्मेंद्रियों को एक एक इंद्रिय को शांत और शीतल बना रहा है। महसूस करें कि भ्रकुटी के मध्य विराजमान
मैं ज्योति पुंज आत्मा इस आत्मा से निकलता हुआ ज्ञान का प्रकाश एक एक इंद्रिय को शीतल और शांत बना रहा है। मैं मन बुद्धि संस्कार सहित भ्रकुटी के मध्य विराजमान इन सूक्ष्म इंद्रियों की मालिक आत्मा हूं। मुझ आत्मा का इस मन और बुद्धि पर संपूर्ण अधिकार है। मैं मालिक हूं। लाइट का पुंज हूं। मैं मन नहीं मन की मालिक हूं। हे मन, तुम तो मेरे महामंत्री हो। तुम्हें इस राज्य कारोबार को बहुत अच्छी रीति चलाना है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। हे मन, तुम
इन सब इंद्रियों को चलाने वाले हो। आंख तो कर्मचारी है, मेरे राज्य कारोबार को चलाने की सहयोगी इंद्रिय है। इन आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूं। आंख इंद्रिय पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। निज स्वरूप को भूलने के कारण इन आंखों ने मुझे धोखा दिया। ज्ञान चक्षु ने इस धोखे से मुक्त किया। ये आंखें तो प्रभु की सुंदर रचना को देखने का अपने भाइयों से आत्माओं से रूहानी मिलन मिलाने का सुंदर साधन है। प्रभु की सुंदर रचना प्रकृति इन्हों को सतो प्रधान बनाने का साधन है।
महसूस करें। मैं परवश नहीं, परंतु स्वराज्य अधिकारी हूँ। दिव्य ज्ञान से मेरी वृत्ति में परिवर्तन आया। वृत्ति ने इस लौकिक और दैहिक दृष्टि को बदल दिया। और इस दृष्टि ने समग्र सृष्टि को देखने का दृष्टिकोण बदल दिया। हर आत्मा को रूहानी दृष्टि से देखते एक अलौकिक निस्वार्थ प्यार का अनुभव करती हूँ। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हर आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि इस आत्मिक दृष्टि ने आत्माओं की कमी कमजोरी देखने के संस्कार को परिवर्तन कर दिया। हर आत्मा मुझ आत्मा का भाई है।
प्रत्येक आत्मा ड्रामा के निश्चित पाठ अनुसार कर्म कर रही है। किसी के पार्ट में मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, ज्ञान चक्षु से अर्थात ज्ञान को बुद्धि में इमर्ज कर बुद्धि के नेत्र से हर आत्मा की पार्ट को कि ये एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, इस दृष्टि से देखना यही तो आत्मिक दृष्टि है। यही तो आत्मा का आत्मिक स्वरूप है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। देखें निज स्वरूप को, निज में कितना आनंद समाया हुआ है। निजानंद स्वरूप यही तो मैं हूं।
यही स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। मन बुद्धि संस्कार पर संपूर्ण अधिकार होने के कारण मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही हूं। इन देह की सर्व कर्मेंद्रियों पर मेरा शासन है। अब ये कान कन रस के लिए नहीं, ईश्वरीय ज्ञान रस को ग्रहण करने के लिए है। ज्ञान सागर के द्वारा दिए हुए सत्य ज्ञान को सुनने का साधन है। ज्ञान श्रवण कर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूं।
चिंतन में वर्णन में ज्ञान है। जिसने पर चिंतन और व्यर्थ बोल से मुक्त कर दिया, मैं स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रियों के बंधन से मुक्त इंद्रियों को चलाने वाली हूं, ये मुख प्रभु प्रसाद बांटने का साधन है। मीठे मधुर बोल बोलने का साधन है। मुख द्वारा निकले ज्ञान रत्नों ने अनेकों की जिंदगी बनाई। न सिर्फ मेरी, कर्म करते ये अटेंशन रहे, कि इस मुख रूपी साधन से मुझे मीठे और मधुर बोल ही बोलने हैं। ऑटोमेटिक दुख देने वाले बोल समाप्त हो जाएंगे। और मैं सुख देने वाली
आत्मा दुआओं का पात्र बन जाऊंगी। यही ज्ञान स्वरूप स्थिति है। यही कर्मयोगी स्थिति है। सभी खड़े हो जाएंगे। और अपने सामने वाले को उस आत्मिक दृष्टि रूहानी दृष्टि से देखेंगे। मैं आत्मा भाई भाई को देख रहा हूं। कितना सुख है आनंद है इस रूहानी दृष्टि में। संकल्प लें
सारा दिन कर्म करते, मैं इसी रूहानी दृष्टि से बाबा की सुंदर सृष्टि के हर रूहानी पुष्प को देखूंगा। सीधे हो जाएंगे, और बाबा के सामने संकल्प करेंगे कि मैं आज सारा दिन स्वराज्य अधिकारी बन करके कर्म करूंगा। दिल के संकल्प में बाबा की संपूर्ण मदद का अनुभव करेंगे। रूहानी दृष्टि का, आत्मिक प्यार का अनुभव का खजाना इकट्ठा करेंगे। चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। Thank you.
रचना नैनों का मैं तारा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं चमकता सितारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा।